अच्छा बताओ आप यहां बैठे हैं, चलो बता दो आपका क्या है। बड़े बड़े लोग जब मरते हैं पैसा लेके मरते हैं, ले जाते हैं, बताओ। लेकिन वही मरने वाला कल तक जिंदा था तो पैसा पैसा करता था, इसका मतलब क्या है? आदमी मर जाता है, जीवन जीना नहीं सीख पाया और मर गया। आज हमारे देश में 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जिनको जीवन जीना नहीं आया, बिना जिए मर गए बेचारे। पूछ लूं मैं आपसे सवाल, बताओ आपका जन्म क्यों हुआ? उत्तर आप ही नहीं दे पाएंगे। बताओ आप लोग 84 लाख योनि है पशु पक्षी जीव जंतु, लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है। बताओ आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? आप मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है? क्या पाने आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिएगा किसी से कि आप मनुष्य क्यों बने हैं, आपका उद्देश्य क्या, पाना चाहते हैं आप? इस शरीर को पा लिया ना जो अनमोल था, इस शरीर से अब क्या पाना है जरा बताओ। आप लोगों ने सब पा लिया, पत्नी पाई, पति पाए, बेटा बेटी, पैसा पद, सबके पास 2 रोटी हैं और रहने को झोपड़ी है और खाने को पहनने को कपड़े हैं। हाँ, मैया को जगाओ, सो गई मैया। ओ मेरी प्यारी माँ, जगेंगी तो पंचायत करेंगी या फिर सोएंगी? सुनो मेरी माँ, शाम को पूरा पूछूंगा मैं कथा में क्या क्या सुना है आपने, भूल मत जाना। चलो बताओ, आप लोगों ने बेटा, आपका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, लगभग आपके पास सब कुछ है। अब बताओ अब क्या बचा आपके पास, क्या पाना है? अब क्या पाना है, क्या पाना है? ये सवाल अपने आप से पूछना कि अब क्या पाना है, अब किसके पीछे भागना है, ये सवाल अपने से कीजिएगा। लगभग आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए था, और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, भागते जाओ। कोई अंत हो तो बताना। व्यवस्थाएं व्यवस्थाओं की तरह रहें, रिश्ते रिश्तों की तरह रहें, ज्ञान ज्ञान की तरह रहे, उद्देश्य समझ में आ जाए कि इस शरीर का उद्देश्य क्या है। तो ईश्वर सत्य है, यह संसार झूठा है। इतनी बात समझ में आई?